हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि जुल्म की बुनियाद पे हुकूमत नहीं चल सकती, कुफर पे चल सकती है, तो आप लोगों ने जो जुल्म किया है उनके साथ उस बेस पे तो आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते थे ना, जो आपने उनको फैसिलिटीज नहीं दी, जो जो उनके साथ सलूक किया है, 56% हाँ 56% जो है पॉपुलेशन उधर रह रही है, और आपने जो है उनके उनका जो शेख मुजीब था उसकी 150 के करीब सीट्स थी और भुट्टो की 80 थी, आपने 80 वाले को आगे कर दिया, 150 वाले को पीछे रखना है। यूदी जो थे ना यूदी, अच्छा। उन्होंने कहा यार मुसलमानों को कैसे इनको कवर किया जाए, इनको अपने मातहत रखें, अच्छा। उन्होंने 1950 में वर्ल्ड बैंक बना दिया, अच्छा। ठीक है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं नहीं सबके लिए, वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि इंडिया भी ले सकता है, पाकिस्तान तो मुझे पता है वर्ल्ड बैंक का पता है, लेकिन ऐसी उन्होंने चाल चली कि अब तक हम उनके यानी के चक्करों में पड़े हुए। अंकल जी देखें, हम कभी कभी ऐसे इलॉजिकल बात करते हैं, मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक, नहीं नहीं मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक बना दिया, यहूदियों ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, हम ही क्यों फंसे, इंडिया ने जाके क्यों नहीं फंस गया। एक नया ब्लॉक बनाया कि ये सिर्फ अपनी करेंसी यूज करेंगे, चाइना रशिया इंडिया ब्राजील का अरब का ईरान का, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान भी इस ब्लॉक में शामिल होता तो पाकिस्तान के जो है ना वो डॉलर की कीमत वैसे नीचे आ सकती है। एक होवे कमला ते समझावे बेड़ा, ते जिथे बेड़ा ही होवे कमला ते समझावे केड़ा। और बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले 1947 पे जाते हैं, मुझे ये बताएं पाकिस्तान जो बना अलहदा हुआ इंडिया से अलहदा हुआ, उसके अंदर किस किस की कंट्रीब्यूशन थी, किस किस ने एफर्ट की, क्या सिर्फ पंजाबियों पाकिस्तानियों ने जो इस टाइम मौजूद है उन्होंने एफर्ट की या कोई और लोग भी थे? सब मुसलमानों की थी, जो आज़ादी चाहते थे उसमें बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, सिंधी भी थे, बलूची भी थे, ठीक हो गया, बंगाली भी थे, बांग्लादेश फिर अलहदा हुआ, और फिर अब आज उनके रिलेशन इंडिया के साथ बहुत बेहतर हैं, अभी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनके वो इंडिया गए हुए हैं, बड़ा रिस्पेक्ट के साथ उन्हें रिसीव भी किया गया है, क्या वजह है हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे इंडिया से? एक एग्जांपल है ना, उन्होंने भी वो भी इंडिया से अलहदा हुए, उन्होंने भी अलहदा एक अपना कंट्री बनाया पाकिस्तान, आज वो हमारे से अलहदा हो गए, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि दोनों साइड से ना जो ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहते, कश्मीर के मसले को उनके सियासतदान भी और हमारे सियासतदान अंदर रहने के लिए इन रहने के लिए वो इस चीज़ को एज ए टूल यूज़ करते हैं, ताल्लुकात को बेहतर वो करने होने नहीं देते। इधर सवाल ये पैदा होता है बांग्लादेश के भी मुसलमान है ना, तो वो कश्मीर के इशू को लेकर क्यों नहीं बात करते? उनके ताल्लुकात उन्होंने ना बेसिकली अपनी जो तरजीहात है ना वो और रखी है हमसे, डेवलपमेंट की तरजीहात रखी है उन्होंने, अपनी पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को लेके वो आगे चल रहे हैं, हमारा मसला ये है कि हम लोगों ने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कश्मीर की पॉलिसी बनाई है बस उसको वो चूना देने के लिए ना, आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए। अभी जिस तरीके से इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ट्रेड हो रही है, रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, इवन बांग्लादेश तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई वो हमारे से ही अलहदा हुए और आज उनके रिलेशन फिर बेहतर हैं, लेकिन यूएई सऊदीया जो बड़े बड़े इस्लामिक कंट्रीज हैं, अगर साथ अपने नेबर में देखें अफगानिस्तान, इन सब के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हैं, क्या इन्हें कश्मीर के मुसलमानों का दर्द नहीं है? उनको है, लेकिन मसला ये है कि उनके लिए अपनी आवाम की जो है ना एक सहूलत वो ज़्यादा मैटर करती है, उनको फ़ायदा नज़र आता है अपनी इकोनॉमी को लेके, अपनी डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि इंडिया एक अगर माना जाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ मार्केट है बल्कि अब तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमें अपने रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं, हमें कश्मीर करना चाहिए? नहीं है, बेसिकली अगर हमें देखना चाहिए ना कि हमें अगर हम अपना ताल्लुकात उनसे बेहतर करते हैं तो हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगे, डेवलपमेंट आ जाएगा, अगर कश्मीर जहाँ तक कश्मीर के बात है उसको दोनों जगह दोनों लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए, टेबल टॉक के जरिए सॉल्व हो सकते हैं बड़े बड़े मसले, सॉल्व जब इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन का मसला सॉल्व हो सकता है तो लड़ाई से हुआ था, वो भी टेबल टॉक से ही हुआ था ना, तो कश्मीर का कौन सा इतना बड़ा मसला है जो हल नहीं हो सकता, मसला ये है कि इनकी खुद की नीयत नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा तल्ख सवाल पूछूंगा, अगर आपको बेहतर लगे आंसर करिएगा, हम कश्मीर तो करते हैं, अभी हमारे पास कश्मीर का हिस्सा है ना तकरीबन 39% ऑलमोस्ट हमारे पास है, 40% हमारे पास है, उधर हम क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, उधर हम क्या मोहब्बत दिखा रहे हैं मुसलमानों के साथ, तो हम दुनिया को कह सकें कि भाई ये देखो इनके साथ हम इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इंडिया वाला कश्मीर भी लेंगे उनके साथ इससे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, क्या कर रहे हैं इधर? बेसिकली अगर बात की जाए ना तो कश्मीरियों की, कश्मीरी खुद ही जो है ना वो अलग स्टेट चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान वाले साइड कश्मीर की बात नहीं, दोनों की ओवरऑल जो है पाकिस्तान के साथ जो रह रहे हैं वो भी एक आज़ाद रियासत, उनके इंटरनल मामलात है ना जो वो खुद ही रन करते हैं, उनकी जो है वो
सुप्रीम कोर्ट अपनी है, प्राइम मिनिस्टर कोर्ट, हाँ सब कुछ उनका अलग है, इवन के प्रेसिडेंट भी अलग है। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो सब कुछ है वो बराए नाम है, अगर यहाँ पे पीटीए की गवर्नमेंट है वहाँ पे भी पीटीए की गवर्नमेंट हो जाती है, यहाँ पे मतलब आपको नहीं लगता? तो ये तो पाकिस्तान की जो है ना वो हुकूमत पे डिपेंड करता है, वो उसको एक रोल मॉडल बना के पेश करें कि हमें जो है ना हम जो ये इतनी मोहब्बत है, हमने ये इम्प्रूवमेंट्स लेके आए हैं, और अगर हमें वो भी मिल जाए तो हम उसको भी इसी तरह बनाएंगे। और ये तो मैं भी कहता हूँ कि भाई अगर मोहब्बत है प्रैक्टिकली करके दिखाओ, आप हमेशा सिर्फ हम ये दावा करते हैं बहुत मोहब्बत कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, 75 साल में जो कश्मीरी हमारे साथ खड़े हैं हम उनके साथ खड़े हैं या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। इंडिया साइड कश्मीर की बात करते हैं, बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं लेकिन हकीकत पे मुबनी है और हमें चाहिए कि हकीकत को एक्सेप्ट करें। आप मुझे बताएं अगर बांग्लादेश की बात करें, वो भी इंडिया से अलग हुआ, वो भी इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, वो क्यों इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो क्यों इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, वो क्यों इंडिया के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है? ये ना बेसिकली बात वही है कि जो शमीर भाई ने बात की है कि टेबल टॉक ये प्रेफर करते हैं कि बस एक बॉर्डर के अंदर वो एक इश्तियाल अंगेजी पैदा करें और उससे जो मुंसलिक अपने मफादात हैं अवाम को बस एक वो दिखाएं कि बहुत सख्ती है, बहुत अवाम को ये दिखाएं कि बड़ा जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े। अच्छा, इंडिया में तो बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही है, आप इसे एग्री करते हैं या नहीं? पहले बिल्कुल उनके डेवलपमेंट हो रही है, उनकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, उन्होंने अपनी आईटी को आगे लेके आए हैं, उन्होंने अपनी करेंसी को प्रमोट किया है। बेसिकली जो उनकी पॉलिसी है ना कि गैर जानिबदारियत की, वो उनको बहुत फ़ायदा दे रही है, वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वो न्यूट्रल रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी है इसने कहा है ना कि पाकिस्तान में जो अगर इसने हमारे साथ मुकाबला करना है ना तो आए गुरबत ख़त्म करने का मुकाबला करें, ये दहशतगर्दी का मुकाबला, हाँ ये इसको ख़त्म करने का, गुरबत ख़त्म करने का, अपने आप को रीजन को बढ़ाने का मुकाबला करें। ये मुकाबला अब जंगे जो हैं वो दौर खत्म हो गया। देखें ये जो एजुकेटेड लोग हैं थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं, अब सोशल मीडिया पे अक्सर मुझे ऐसे देखने को मिलता है कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ आओ मिलकर जंग करते हैं, इतनी लाइन सिर्फ आप सोशल मीडिया पे लगा देंगे, आगे जो उन्होंने बात की है जंग करते हैं गुर्बत के खिलाफ, जंग करते हैं महंगाई के खिलाफ, जंग करते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, ये वाला हिस्सा हम काट देंगे और पब्लिक को कहेंगे ये देखो जी वो कह रहा है जंग करते हैं। ऐसी सोच हम कैसे बदल पाएंगे और कैसे हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे? इसका तो बेहतर तरीका यही है कि अवेयरनेस जो सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन अवेयरनेस। देखो अब मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जाती है हम लोग उसी को समझते हैं, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखेंगे या आप जो है ना इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, फिर आपको असल बात पता चलेगा, फिर आप उस हिसाब से अपनी राय कायम करेंगे। और जब आप बात करेंगे फिर आपको कहा जाएगा ये किसी एजेंडे पे काम कर रहा है, ये किसी एजेंडे के ऊपर अपनी ये खबर बना रहा है। क्या जैसे बांग्लादेश ग्रो कर रहा है 1971 में बना और आज वो आपकी यही बात, जब बांग्लादेश की करेंसी थी तब बहुत वो गरीब था, उसको हम कहते थे ये टका है, फलाना फलां को कहते तुम्हारी टके जितनी औकात नहीं है, अब वो टका 2.18 या 2.3 तक पहुंच गया है। अफगान के अंदर 20 साल जंग रही है, दो सुपर पावर वहां पे वो खत्म हुई है, उसका भी 1.8 हो गया या 1. कितना इतना ही है। हम तो ये कहते नजर आते थे ये बांग्लादेश वाले जो हमारे बड़े हैं, हम सुनते ये कहते नजर आते थे कि ये 2 दिन नहीं चलेगा 4 दिन नहीं चलेगा ये वापस आ जाएंगे, वही ना वो सब कुछ, वो भी इसी बात का तो रोना था कि उनका हक था, वो कहते थे कि हमने लेना है, वो उन्होंने प्रूव किया है, हमने उनको हमें कहा हम अच्छे हैं तो हमने क्या प्रूव किया है, उन्होंने तो खुद को प्रूव कर लिया दुनिया के सामने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जुल्म की बुनियाद पे हुकूमत नहीं चल सकती, कुफर पे चल सकती है, तो आप लोगों ने जो जुल्म किया है उनके साथ उस बेस पे तो आप उसको आगे नहीं लेके जा सकते थे ना, जो आपने उनको फैसिलिटीज नहीं दी, जो उनके साथ सलूक किया है, 56% जो है पॉपुलेशन उधर रह रही है और आपने जो है उनका जो शेख मुजीब था उसकी 150 के करीब सीट्स थी और भुट्टो की 80 थी, आपने 80 वाले को आगे कर दिया, 150 वाले को पीछे रखना है, तो जब आप इस तरह की नाइंसाफियां करेंगे तो फिर उसका यही हाल निकलना है। अच्छा मेरे भाई आपका नाम क्या था? शामीर जावेद। शामीर भाई जो आपने ये सिचुएशन बताई कि उनकी ऑलमोस्ट 150 सीट्स थी, हमारी 80 यानी इधर जो यहाँ की अगर बात करें 80 थी, जुल्फकार अली साहब की बात करें तो हमारा फिर वो अलग हुआ, आज भी ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं नजर आती कि जिसकी सीट ज्यादा है वो बाहर है और जिसकी सीटें कम है वो इधर असेंबली में गवर्नमेंट में? उसका आपको साइड इफेक्ट नजर तो आया ना, इकोनॉमी का क्या हाल हो गया, अवाम किस तरफ खड़ी है, इदारों के अवाम का एतमाद किधर है और अवाम जो है ना किस तरह कह रही है, वो तो आपको साफ नजर आ रहा है ना, इस तरह जब आप करेंगे तो फिर उसका यही रिएक्शन निकलना है। जैसे इंडिया को लेकर पाकिस्तानियों के माइंड में नफरत एक बिठाई गई 1947 से, वो बांग्लादेश वालों ने कम कर दी, काफी हद तक कम कर दी, आज उनके रिलेशन बेहतर है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी जो पाकिस्तानी है ये नफरत कम हो पाएगी या नहीं हो पाएगी कि हम हमेशा नफरत करते रहेंगे?
हो सकती है अगर जो है ना दोनों साइड से कोशिश हो, खाली पाकिस्तान वाले कर लें और इंडिया वाले जो हैं वही नफरत वाली फैलाते रहे वहाँ में, तो इस तरह तो ताल्लुकात नहीं चलते ना। उनको भी कोशिश करनी पड़ेगी और हमें भी करनी पड़ेगी। ये तो नो डाउट के दोनों साइड से अगर मोहब्बत के गेस्टर आएंगे, मोहब्बत का पैगाम आएगा तो ही रिलेशन बेहतर होंगे। लेकिन अब मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बहुत से लोग इंडिया से देखते हैं, वो ये कहते हैं भाई अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके साथ रिलेशन की। बहुत से नीचे कमेंट आते हैं हमें कोई, और मेरा बहुत दिल दुखता है ये वो कमेंट पढ़ के, क्योंकि हम बात करते हैं मोहब्बत की, हम बात करते हैं रिलेशन बेहतर करने की, लेकिन उनका इतना दिल दुखा हुआ है कि वो कहते हैं भाई हमें नहीं रिलेशन बेहतर चाहिए, हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं बेहतर। इमोशंस पे उनको अल्टरनेट मिल गए ना, अपनी इमोशंस, चाइना आ गया उनकी मदद को, चाइना इंडिया की मदद को आ गया, चाइना का तो इंडिया के साथ टसल चलती है। नहीं नहीं, इकोनॉमी उनके साथ शेयर हो गया, अब उन्होंने शेयर की बात की है ना, अब बंगाल उनके साथ आ गए, अब उन्हें पाकिस्तान से क्या चाहिए। वैसे तो आप अगर आपने ये बात किया रशिया उनके साथ है, यूएस उनके साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, आप ये तो बात ना करें। मैं ये कह रहा था कि इमोशंस के बिना पे तो ताल्लुकात नहीं चल सकते ना। वो कहते हैं हमारा दिल दुखा है, अगर उनको आगे जाना है तो पाकिस्तान को वो किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह अब चाइना ने आगे की तरफ मूव करना है, एक सुपर पावर बनना है, तो उसको पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा है। इस तरह इंडियंस अगर कहते हैं उनका दिल दुखा है तो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत। ठीक है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखें ये बात से बहुत से लोग ये कहेंगे भाई नहीं हम आपके बगैर ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं भी यही कहता हूँ कि अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, दुनिया में अपना एक नंबर वन जैसी पहचान बनानी है, कहीं ना कहीं नेबर्स के साथ मिल के चलना होगा। और नेबर्स को भी चाहिए कि भाई ये ना करें कि भाई इंडिया हमारे बगैर ग्रो नहीं कर सकता तो हम जो मर्जी करें, हमें भी चाहिए कि हम बड़ा लिमिट्स में रहें, बड़े अच्छे रिलेशन बनाएं। दो तरफा ताल्लुकात का यही होता है ना, उनको भी फायदा होगा, पाकिस्तान को भी फायदा। अच्छा, उनका दिल कैसे दुखता है ये मुझे बताएं आपके ख्याल में, जो उनका वो कहते हैं हमारा दिल दुखता है, उसमें भी जो है वो फाल्स इन्फॉर्मेशन उनकी मीडिया के थ्रू पहुंचाई जाती है, अवाम के दिलों में नफरत बिठाई जाती है कि आपका जो पाकिस्तान आपका दुश्मन है, उनको ये चीज बताई गई है। इस तरह चीजें होती नहीं है जिस तरह उनको बताई जाती है। तो ये बहुत लगता है यहाँ से बड़ी नेगेटिव स्टेटमेंट भी जाती हैं, अगर हम अपने मौलाना हजरात की बात करें, बड़ी अजीब अजीब किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि हम यहाँ पे लाल किले पे इस्लाम का झंडा करेंगे, ये करेंगे इस तरीके से, थोड़ा वो तो फिर वो भी यही बातें करते हैं ना, ये बात तो नहीं हो सकती। आखिर हमने उनके साथ तीन जंगें लड़ी हैं, वो ये तो ये बातें तो होती रहेंगी। इस तरह की बातें जब टेबल टॉक के जरिए बातें होती हैं फिर उसमें ये इश्यूज नहीं आते, उसमें फिर जो है ना दो तरफा ताल्लुकात देखे जाते हैं, आपका क्या फ़ायदा होता है हमारा, फिर ये चीज़ें जो है ना ये सिर्फ एक सियासी तौर पे आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी बड़ी मजे की बात है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, वो चाइना के विजिट पे गए हैं, और बांग्लादेश के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इंडिया के विजिट पे आए हैं। क्या ये कोई ब्लॉक तो नहीं बनने जा रहा कि बांग्लादेश इंडिया एक साइड पे, चाइना पाकिस्तान एक साइड पे, कुछ इस तरह का सीन नहीं नजर? अभी इसी टाइम पे जाना था, मतलब हम चाइना चले गए विजिट पे हमारे आर्मी चीफ, और बांग्लादेश के आर्मी चीफ इंडिया आ गए। नहीं, अगर देखा जाए तो ब्लॉक तो पहले ही बना हुआ था ना, कि पाकिस्तान चाइना रशिया वो एक साइड पे थे, और रशिया इंडिया के साथ जैसे खड़े उनका, आपको उनका ताल्लुकात, लेकिन अगर वो देखा जाए उस चीज़ को, अगर रशिया ने आगे आना है चाइना के साथ, उसके ताल्लुकात बेहतर होने हैं। ठीक है, इंडिया का जो मेन मसला है इंडिया अमेरिका के साथ भी है, तो इंडिया न्यूट्रल है। आपने आगे कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि उन्हें जहां अपनी अवाम का फायदा नजर आता है ना, वो चाइना के साथ भी हो जाते हैं, वो रशिया के साथ भी हो जाते हैं। पॉलिसी तो उनको आगे लेके आ रही है ना, आज जो उनकी इतनी डेवलपमेंट हुई है, अगर हम भी इसी तरह से चलेंगे, चाइना रशिया सबके साथ ही अच्छे ताल्लुकात लेके चलेंगे, तो हमारे जो है इकोनॉमी वो भी आगे आएगी, जब ट्रेड खुलेगी तो इकोनॉमी बेहतरी आएगी, पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इत्तेफाक की बात नहीं है, इसी टाइम पे चाइना गए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान के, और इसी टाइम पे बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं इंडिया, कोई ये ग्रुप टाइप बन रहा है या कुछ? क्या कहना चाहेंगे चाइना और इंडिया आपस में, मतलब ये तो वही नज़र आ रहा है, जो पहले इतिहादी बने हुए हैं उनको ज़्यादा ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, वो उनको मतलब अपने ब्लॉक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि खित्ते में इंडिया ताकत पकड़ रहा है तो बहुत तेज़ी से, तो पाकिस्तान भी तो कुछ चाहिए ना इसको, इसलिए चाइना के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आगे क्या होता है। बांग्लादेश के तो पहले ही ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक हैं, वो तो चाइना के भी पाकिस्तान के, हाँ वो तो, लेकिन हम किसी और वजह से जा रहे हैं, हम किस वजह से जा रहे हैं बताएं हमें, हम तो जो है वो फिर वही बात है कि डॉलर जो है वो हाथ से बाहर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिर मदद तो चाहिए ना। अच्छा, अभी यहाँ पे ही मैं आपको बताता हूँ विजन में और सोच में क्या फ़र्क है, कि बांग्लादेश के अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर गए हैं, इंडिया में गए हैं, शायद वो ट्रेड या फिर अपने इंटरनल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, नो डाउट कहा यही ऑफिशियली जाता है कि भाई कुछ इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करने गए हैं, आगे फ्यूचर की प्लानिंग के लिए गए हैं, लेकिन
बच्चे बच्चे को ये पता है किस मकसद के लिए गए हैं, जो कि इन्होंने बताया भी है कि जब हमें IMF की तरफ से प्रेशर आता है तो कभी हम चाइना जाते हैं, कभी हम सऊदीया जाते हैं। यही हम ट्रेड की बात करें ना, सिर्फ चाइना के साथ, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान के साथ, दुनिया के तमाम कंट्रीज के साथ ट्रेड की बात करें तो बात यह कि जो बांग्लादेश है उसके फैसले तो वहाँ की गवर्नमेंट करती है ना, आर्मी चीफ तो जाके नहीं करता। हमारी तो जो है शोर्टी तो आर्मी देती है हर जगह जाके, उनको पता है कि यही चलाते हैं चीज़ों को, यही है वो, सबके सामने पता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुने, जब तक इनको हमारी हुकूमत ये सोचेगी ना कि डॉलर कैसे आएगा, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकती। हमने तरक्की तब करनी है जब हम सोचेंगे कि डॉलर जनरेट कैसे करना है। ये चीज़ हम अपनी होम इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री को ग्रूम नहीं ना करेंगे तो ये जितनी मर्जी IMF आ जाए, हमने पहले भी देखा है जितना मर्जी वो फॉरेन फंडिंग हो जाए, दो दिन के लिए, चार दिन के लिए, हफ्ते के लिए डॉलर का रेट नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर हो जाता है। तो आर्टिफिशियल तौर पे हमें चाहिए कि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, अपनी इंडस्ट्री को। नई करेंसी निकाली है इस ब्लॉक ने, जो ब्लॉक इधर बन रहा है कि डॉलर की, वैसे ही जो है ना वो भी करेंसी इंडिया ने निकाल लिया, इंडिया 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी यूज करने, वो जो ये मुल्क एक नया ब्लॉक बनाया कि ये सिर्फ अपनी करेंसी यूज करेंगे, चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील का, अरब का, ईरान का, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान भी इस ब्लॉक में शामिल होता तो पाकिस्तान के जो है ना वो डॉलर की कीमत वैसे नीचे आ सकती है, लेकिन उसके अंदर ये है कि हम किसी के कहने पे चलते हैं, हमने जिनसे IMF से पैसे लिए हम उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर पाते, ये इश्यूज आते हैं। लास्ट में ये बताते हैं, मेरे जैसी यूथ, आप जैसी यूथ कैसे बेहतरी ला सकती है? और सेकंडली चाइना की जो बात हो रही थी, यहाँ अगर यूथ की बात करें काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ रही है, लेकिन यहाँ पर किसी के खिलाफ आपने करना है, किसी को, पब्लिक के खिलाफ करना है, आपने एक कार्ड सिर्फ खेलना है, वो है मजहब कार्ड। चाइनीज के खिलाफ भी करना हो, जैसे अभी ब्लैस्फेमी का जो उन पर चार्ज किया, चाइनी किसी यहाँ पर सिटीजन था और उसे अंदर जेल में किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो कंसेप्ट है कैसे चेंज होगा? जी, मज़हब को ना मज़हब की हद तक रखना चाहिए, और मज़हब, हमारा मज़हब इतना एक्सट्रीमिस्ट को वो प्रमोट भी नहीं करता, हम तो ऐसे ही शो करवा रहे हैं। ये कुछ वो नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं जो कि मुसलमानों को इस चीज़ पे एंगेज करते हैं कि ये तो वाकई दहशतगर्द हैं, ये हैं। हालांकि श्रीलंका का मैनेजर थे, वो वाकया हुआ, इसके अलावा भी चाइना के, मतलब इमेज तो ऐसे जाते हैं। नहीं, वो फिर ये है कि वो कुछ लोग हैं जिनकी सोच इस तरह की है, वो फिर उसको इसी तरह प्रमोट करते हैं, हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए। उसकी मेन वजह यही है कि लोगों को खुद मज़हब का नहीं पता, अगर लोग अगर मज़हब का पता हो तो लोग फिर इस तरह के लोगों की बातों में नहीं आते। हम चलते हैं मौलवी के मज़हब पे, जबकि हमें चाहिए हम एक दफ़ा खुद थोड़ी सी स्टडी करें और जो चीज़ बेहतर है, जो पीस का मैसेज देती है, उसी चीज़ को फॉलो करें। अच्छा लगा बात करके मेरे जैसी और आप जैसी यूथ। मेरा सवाल लास्ट में ये है कि कैसे सोसाइटी में चेंज ला सकती है, कैसे ऐसे इन डिस्कशंस के थ्रू हम पब्लिक को बता सकते हैं कि भाई दुनिया कैसे चेंज हो रही है, हमें भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। असल में इसके लिए तो सबसे पहली बात, एक इत्तेहाद में, जो कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है, यूथ यूनियन होनी चाहिए जो अपने मुतालबात जो है ना आगे पहुँचाए, जो सियासतदान है उनको भी पता चले कि यूथ जो है वो चाहती क्या है, वो चाहती क्या है कि उनका क्या मुतालबात है, क्योंकि असल तो बाद में आना तो सियासतदान ने वोट लेने हमारे ही पास आना। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राणा शकील अहमद। राणा साहब, ये शॉप है आपकी? हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये बताएं इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, बिजनेस कैसा चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? बिजनेस आपके सामने ही है, देख लें बाजार सुनसान। ये कैमरा मैन अगर दिखाएं जी, ये भी दुकानदार है, ये भी दुकानदार है, सारे बाहर बैठे हुए, सारे बाहर बैठे, यानी कंडीशन कुछ खास नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। चले टॉपिक की तरफ आते हैं, अगर पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें, बांग्लादेश की सिचुएशन की बात करें, जो कि 1947 में हम दोनों, मतलब बंगाल, पंजाबी और ये सब ने मिल के पाकिस्तान अलहदा किया इंडिया से। आज 1947 के से लेके 1971 तक इकट्ठे रहे, 71 में बांग्लादेश अलहदा हुआ और आज वो हमसे बहुत आगे है, उसकी रीज़न क्या होगी? रीज़न ये है सर कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे। सबसे पहले जब तारीख चली ना आज़ादी की, उस वक़्त मुस्लिम लीग नून कायदे आज़म, ठीक है, पावरफुल वो जमात थी, उसमें लियाकत अली खान, पता नहीं कौन कौन से लोग थे, उसमें भी बंगाली ज़्यादा थे, बंगाली ज़्यादा थे, और अल्लाह आपका भला करे इनकी हमशीरा फातिमा जना, ठीक है ना। अगर बात करें बांग्लादेश की तो वो कैसे, मतलब बांग्लादेश की अगर बात करें, उन वो भी इंडिया मैं से उसी तरफ आऊंगा, आप मुझे बस थोड़ा सा मौका दें। जी बिल्कुल। जब आप बांड करेंगे ना, बांड समझते हैं ना, बांटेंगे, जब बांटेंगे तो सही उसकी
तकसीम करेंगे। अंग्रेज़ों ने ऐसी चाल चली उसमें हिंदू भी शामिल हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप बताएं मुझे कि आप मकान, आपने ज़मीन ली, ठीक है, 10 मरले, अब आप 10 मरले इधर ले रहे हैं, 10 मरले वहाँ ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसी वंड है, कैसी वंड है? तो ये तब हम कह देते कि भाई हमें वहाँ पे नहीं लेनी। पाकिस्तान को वजूद मिला ना, उसका नक्शा आप देखें पुराना कोई ढूंढ कर, ठीक है, उसकी तकसीम कैसे हुई है, जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ वहाँ पाकिस्तान है, ऐसे ही हुआ ना, तो फिर कैसी वंड है ये? तो ये तो उस टाइम कायदे आजम को चाहिए था, या जो तहरीक के लीडर थे उन्हें चाहिए था कि भाई आप के उस वक्त इतना हैवी किस्म का सर वो दिमाग इसकी तरफ था कि बस हम आजाद हो जाए, ठीक हो गया, अच्छा आजाद हो जाए, बस ये पता नहीं था कि ये उधर बांग्लादेश अलहदा कर दिया है, ढाका भी अलहदा हो गया, इधर मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान वंड ऐसी कर दी कि बाद में उन्होंने चाल ऐसी खेली कि एम एस को अलहदा अलहदा कर दें, अलहदा अलहदा कर देते। मैं कहता हूँ आज अगर वो साथ होते, वो भी हमारी तरह कंडीशन में होते, वो भी इधर उधर भी, मैं किसी बंगाली के पास जाता, क्यों भाई कारोबार कैसा चल रहा है, वो कहता आपके सामने, आज वो अगर बेहतर है तो वो फिर हमें तो अगर मुसलमानों से प्यार है, इंसानों से प्यार है, तो हम तो कहे ना बंगालियों ने अच्छा किया। सबसे बड़ी बदनसीबी इस मुल्क की ये है कि इधर मानता कोई नहीं है, ना किसी अदालत को, ना किसी कानून को, ठीक है, जो बालातर है ना, जो वजीर आजम है या सदर है, वो कहता मेरा हुक्म चले, मैं अदालत को नहीं मानता। अच्छा, ठीक है, अदालतें अदालतें किसके लिए हैं? मेरे लिए और आप, मेरे लिए और आपके लिए, गरीब के लिए, ठीक हो गया, उनके अच्छा। लिए कानून है, बाकी हम ऊपर लेवल के बंदों को कोई पता कोई नहीं, नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। बांग्लादेश इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कर रहा है, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जो उनसे हैं, वो इन दिनों बांग्लादेश उधर इंडिया में गए हैं, क्या वजह है? वजह यही है कि वो पाकिस्तान, ये जो हम जिस जगह पे खड़े हैं ना, ये पाकिस्तान ही कहलाता है ना, वो इतनी बड़ी चाल चल रहा है इंडिया और अमेरिका, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ऊपर जाए। आपको लगता है, एक मिनट के लिए अंकल जी, अगर अमेरिका चाह भी ले, जो इस टाइम हमारे अपने हरकतें हैं, आपको लगता है अमेरिका कोई इंटरफेयर ना करे, कोई हमारे अंदर मुदाखलत ना करे, इंडिया पे जो हम इल्जाम लगाते हैं वो भी मुदाखलत ना करे, तो फिर हम ग्रो कर जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है जो हमारी होगा तो फिर हम क्यों किसी पे इल्जाम लगाके राय? ये जितनी भी पार्टी है, जो जितनी भी पार्टी है ना, ये चौधरी बनी हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है, हम तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो दुश्मन हमारा तमाशा देख रहे हैं, हम इल्जाम दुश्मन पे लगा देते हैं, उनकी रिपोर्टें हमारी तरफ नहीं आ रही, क्या हमारी रिपोर्ट उधर नहीं जाती, हर चीज जाती है सोशल मीडिया का। अभी ये जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये क्या इंडिया से नहीं लोग देखेंगे? अगर जहाँ जहाँ कोई देखना चाहे, नेट चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान की खबरें वो नहीं सुनते? क्या इधर हो रहा है, क्या उधर हो रहा है, हर चीज वाजे तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जब तक हमारे हुक्मरान इंसान नहीं बनेंगे, जब तक वो इस मुल्क का बेहतर नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक ये हालात ऐसे ही रहने हैं। वो कहता तुम चोर हो, वो कहता तुम चोर हो, तो फिर साथ कौन है? साथ बिल्कुल ऐसे ही है जी, सब चोर चोर हैं, है फिर? ये भी सवालिया निशान है ना, आप बताएं या देखने वाले बताएं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसे बांग्लादेश ने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर किए, देखें वो भी उनसे ही लैदा हुए, वो भी मुस्लिम हिंदू के कंसेप्ट ही लैदा हुए, जो हमें बताया जाता है, हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करते? यूदी जो थे ना, यूदी, उन्होंने कहा यार मुसलमानों को कैसे इनको कवर किया जाए, इनको अपने मातहत रखें। उन्होंने 1950 में वर्ल्ड बैंक बना दिया, ठीक है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं, नहीं सबके लिए। वर्ल्ड बैंक का मतलब है कि इंडिया भी ले सकता है, पाकिस्तान, वो तो मुझे पता है वर्ल्ड बैंक का पता है, लेकिन ऐसी उन्होंने चाल चली कि अब तक हम उनके यानी के चक्करों में पड़े हुए। अंकल जी देखें, हम कभी कभी ऐसे इलॉजिकल बात करते हैं, मुझे बताएं वर्ल्ड बैंक, नहीं नहीं मुझे बताएं, वर्ल्ड बैंक बना दिया, यहूदियों ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, हम ही क्यों फंसे, हम ही क्यों फंसे? इंडिया वाले काम करेंगे तो फंसेंगे ना, कह रहा हूं ना, फिर चार हमने आज तक ज़राअत के ऊपर मेहनत नहीं की। मेरी इस बात का जवाब दे, वर्ल्ड बैंक बना, आपने बोला वर्ल्ड बैंक बना दिया ताकि ये फंसे, इंडिया ने जाके क्यों नहीं फंस गया? अगर बात करें, इंडिया इसलिए नहीं फंसता, थोड़ी सी मैं, हालांकि वो बात सही नहीं है, नहीं आप करें जो भी आपको दिल करता है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री आप देख लें, इस वक्त दुनिया से सबसे हैवी किस्म की है, अमेरिका से, अमेरिका भी उसने काट दिया, वो सरमाया ऐसे इकट्ठा करते हैं अपनी पब्लिक में, अपनी उनको यानी कि ऐसा इंडस्ट्री उनकी अभी उस हाल में नहीं है जैसे वो आईटी से, टेक्नोलॉजी से, मेडिसिन से पैसा। जी 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 जी, जो भी है मैं उसी तरफ आऊँगा, उन्होंने ऐसी मेहनत की है, उनके साहब आप
अंदाजा करें ना कि हमारा रुपया किधर है, उनका किधर है, यही चीज है। ठीक है, अब बांग्लादेश दे ले, उसका टक है, ऐसे ही है ना, तो किधर जा रहा है वो? ठीक हो गया, सवा दो तकरीबन ढाई रुपए के करीब पहुंच गया है, तो इधर हमारा किधर जा रहा है? अच्छा, हमें मुकाबला करना है, हम इन चीजों पे मुकाबला करना है। जब तक हम इत्तफाक नहीं करेंगे, आपस में मिल बैठ के इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, उस वक्त ये सारी जिंदगी ऐसी वो घर के भांडे बर्तन खड़कते रहेंगे। जब तक एक होवे कमला तो समझावे बेड़ा, जिथे बेड़ा ही होवे कमला तो समझावे केड़ा। वही बात एग्जांपल दिया पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सारे तो कमले हैं कि कोई समझाने वाले नहीं है। अगर कोई समझाने की कोशिश करता होगा तो तू ममा लगने, तू पागल कह दिया जाए।